हेलो एवरीवन, तुहाडे सारयां दा स्वागत है जी तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जी के गुरु जी ते। हाँ जी साथियों, मैनू पिछले दो दिनों तो कई साथियों के मैसेज ते मेल आए ने कि सर तुसी होम बेस्ड केयर अते होस्पिटल बेस्ड केयर दी वीडियो बनाओ, सानू इस दा मटीरियल किते भी नहीं मिल रहा। तो साथियों हुण मैं तुहाडे लई होम बेस्ड केयर अते होस्पिटल बेस्ड केयर दे हैंड रिटन नोट्स करावांगा। तुहाडे पेपर विच तुहानू क्वेश्चन इन्हां नोट्स विचों ही वेखण नू मिलणगे। इस वीडियो आप बेसिक पॉइंट्स कवर करांगे जेडे कि एक वार्ड अटेंडेंट नू पता होने बहुत जरूरी हैं। जेकर तुहानू ये वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नू दब के शेयर करियो जे, ता जो मैं तुहानू जल्द तो जल्द ही सारा सिलेबस कंप्लीट करा सकां। जेकर तुसी साडे चैनल ते पहली बार विजिट किया है, पहली बार साडी वीडियो वेख रहे हो, तो चैनल नू जरूर सबसक्राइब करियो ते नाल लगे बैल आइकन नू भी प्रेस करना, जिस दे नाल तुहानू साडी हरेक नवीं वीडियो दी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हाँ जी स्टार्ट करते हैं आज दी वीडियो नू। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट दिता होया है होम यानी कि घर, वो जगह जिथे परिवार के मैंबर इकट्ठे रहिंदे हन अते सांझे स्रोत सांझे करदे हन, परिवारिक कारजां अते भूमिकावां नू निभाउंदे हन, जिम्मेवारियां सांझियां करदे हन। सैकेंड पॉइंट हैगा जी होम केयर यानी कि घर की देखभाल। जदों बीमारी के दौरान किसी व्यक्ति नू उसके अपने घर में देखभाल दी जाती है, उसनों की कहते हैं जी होम केयर, जो कि गंभीर भयानक या रिकवरी अवधि विच हो सकती है। पढ़ते हैं जी नैक्सट पॉइंट। नैक्सट पॉइंट अपना हैगा जी होम केयर प्रोवाइडर यानी कि जड़ा कि रोगी की देखभाल करता है। होम केयर प्रोवाइडर एक व्यक्ति है जो एक निर्भर रोगी मरीज या बीमार व्यक्ति की देखभाल करता है। घर विच देखभाल प्रदाता की हो सकता जी, परिवारिक मैंबर हो सकता है, एक दोस्त या एक व्यक्ति हो सकता है जिसने घर विच निर्भर बीमार व्यक्ति की सहायता करन दे हुनर विकसित किते हन। फिर तो रिपीट कर देने, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट हैगा जी होम केयर प्रोवाइडर की हुंदा जी। होम केयर प्रोवाइडर एक व्यक्ति है जो एक निर्भर रोगी मरीज या बीमार व्यक्ति की देखभाल करता है। तो घर विच जिहड़ा देखभाल प्रदाता कौन हो सकता है, एक परिवारक मैंबर हो सकता है, एक दोस्त या एक व्यक्ति हो सकता है जिसने घर विच निर्भर बीमार व्यक्ति की सहायता करन दे हुनर विकसित किते हों। नैक्सट पॉइंट वाल चलते हैं जी। नैक्सट अपना पॉइंट हैगा सेहत यानी कि हेल्थ। सेहत वो अवस्था है जिस दे अंतर्गत शरीरिक मानसिक अते समाजिक कार्य पूरी अवस्था नाल किते जा सकन, उन्हों आपां की कहांगे जी एक चंगी सेहत। फिर तो रिपीट कर देने, एक चंगी सेहत कीड़ी हुंदी है जिस विच शरीरिक तौर पर व्यक्ति, मानसिक तौर पर अते समाजिक तौर पर व्यक्ति जड़ा वो कि वह तंदुरुस्त होवे, उन्हों की कहते हैं एक चंगी सेहत। नैक्सट पॉइंट हैगा जी एक्यूट डिजीज़ यानी कि अल्पकालीन रोग। अजिहा रोग या बीमारी जो बहुत घट समय लई हुंदी है, उस विच मरीज बहुत जल्दी ही ठीक हो जाता है। फिर तो रिपीट कर देने, एक्यूट डिजीज़ यानी कि अल्पकालीन रोग, अजिहा रोग जां बीमारी जो बहुत घट समय लई हुंदी है, इस विच मरीज बहुत जल्दी ही ठीक हो जाता है। नैक्सट पॉइंट हैगा जी कोरोनिक डिजीज़ यानी कि दीर्घकालीन रोग। ये बीमारी जां रोग हौली हौली जां अचानक शुरू हुंदी है ते लंबे समय तक चलती है। हाँ जी, ये कि बीमारी हुंदी है जिहड़ी लंबे समय तक चलती है। नैक्सट पॉइंट करते हैं। नैक्सट हैगा जी कम्युनिकेबल डिजीज़, छूत दे रोग। हाँ जी, ये की है जी वो रोग एक व्यक्ति तो दूसरे व्यक्ति नू सूक्ष्म जीवां जीवाणुआ विषाणुआ ते प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं, उन्होंने की कहते हैं छूत दे रोग। फिर तो रिपीट कर देने, वो रोग एक व्यक्ति तो दूसरे व्यक्ति नू सूक्ष्म जीवां जीवाणुआ विषाणुआ ते प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं। नैक्सट पॉइंट वाल चलते हैं जी। नैक्सट पॉइंट हैगा जी डिपेंडेंट यानी कि निर्भर। वो व्यक्ति जिसनों किसी होर तो शरीरिक भावनात्मक अते सेहत देखभाल की जरूरत हुंदी है, जां वो अपनी देखभाल करन दे योग नहीं हुंदा, उन्हों की कहते हैं निर्भर। नैक्सट पॉइंट वाल चलते हैं। नैक्सट पॉइंट हैगा जी बैड रिडन यानी कि बिस्तर तो छुटकारा पाउण वाला। हाँ जी, एक व्यक्ति जो बीमारी कारण बिस्तरे तक सीमित हैगा, अजिहा व्यक्ति उठ के बाथरूम विच नहीं जा सकता, खास बीमारी के कारण बिस्तरे ते रहिंदा है ते उसनू घर विच बिस्तरे ते उसकी देखभाल दे लई एक जिहड़ी व्यक्ति की जरूरत हुंदी है।
नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट है जी डिसेबल यानी कि अपाहज, एक व्यक्ति जिसकी काम करने की योग्यता स्थाई बीमारी कारण सीमित हैगी है, ये उसकी शारीरिक सट मानसिक बीमारी के कारण भी हो सकता है, यानी कि अपाहज व्यक्ति उसकी शारीरिक सट मानसिकता बीमारी नाल भी हो सकता है। नैक्सट पॉइंट हैगा जी एडवांस्ड केयर, इस तरह की केयर उन मरीजों को दी जाती है जिन्हों समस्यावां गंभीर होण। मरीजों की देखभाल के लिए ऑक्सीजन थेरेपी वर्गे खास तकनीकी प्रक्रिया की जरूरत भी होंगी है। हाँ जी, ये वीडियो इतने समाप्त करते हैं। जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगी है तो वीडियो नू लाइक करो ते ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो। हाँ जी, जेकर तुसी साडे चैनल ते पहली बार विजिट किया है तो चैनल नू जरूर सबसक्राइब करो ते नाल लगे बैल आइकन नू भी प्रेस करना, जिस दे नाल तुहानू साडी हरेक नवी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम नाल मिलती रहेगी। हाँ जी, मिलते हैं नैक्सट वीडियो से, उदों तक के लिए टेक केयर।